जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में नगर पंचायत की बैठक कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में डीएम ने सभी नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 14 वित्त आयोग से लोगों की सहूलियत के लिए कार्य कराया जाए, जिसमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन आदि के कार्य मुख्य रूप से शामिल हों। उन्होंने कहा कि सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसी बस्तियां जहां लोगों के पास शौचालय बनाने की जगह नहीं हो, वहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाए। उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जानकारी लेते हुए कहा कि सभी नगर पंचायतों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नगर पंचायत के कार्यों में स्वास्थ्य, शौचालय आदि के कार्यों को प्राथमिकता दें। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ सहित जनपद के सभी नगर पंचायतों के ईओ उपस्थित रहे। कैसे सर, सफाई में ध्यान दो, खुले में शौच मुक्त पूरे मतलब जनपद होना है तो याद होगा। आप लोग क्या, आप लोग सारे ओडीएफ दिखा चुके हैं, आप लोग क्या ओडीएफ होंगे पूरा खुले में? आपत्ति मांग रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भेजा था सेंटर पर क्या वाकई में? यार देखिए, वाकई में होना है। एक चीज तो कागज में होती है, होती रहती है सरकार में, बट मकान भी नहीं है और शौचालय नहीं है, कहाँ जाएंगे? उसके लिए कम्युनिटी बाढ़ में ऐसे बस्ती कितने होंगे आपका? वैसे घुमंतू लोग रहते हैं, ऐसे हर जगह होता है शायद, नगर निगम नगर पंचायत के पास आसपास मलिन बस्ती भी है। मलिन बस्ती है आपके कहीं किसी जगह? नगर निगम में तो यहाँ तो 90 है शायद, नगर निगम तो क्या है और किसी नगर पंचायत में मलिन बस्ती है? वार्ड नंबर 1 और 3 जी, 1 तो हो गया आपका। हाँ सर, मैक्सिमम लोगों से बनवा लिया। मैक्सिमम में 100% की बात कर रहा हूँ, उसका नहीं चाहिए था कि आप लोग डिक्लेयर करा चुके होंगे, तो दोबारा एक बार देख लो, खुले में सोच कोई जाना नहीं चाहिए। और कम हो गए वो मतलब कोई प्रयोग भी नहीं, मैक्सिमम यूरिन का 90 के हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो बना लिया तो कुछ धंधा दिखता है सफाई करता है। ये सफाई कर्मी क्या कितने कितने हैं सफाई कर्मी आपका? एक एक जगह है बताओ, संख्या है आपको पता है आपको का जरूरत कितने हैं, जमीता पे कितने हैं, कितने कितने पाँच रेगुलर बाढ़ कितने हैं आपका? 12 बार सफाई कितने बार करते हैं? एक ही बार करते हैं नंबर 2 तो निश्चित समय में आप जाएंगे तो कूड़ा बाहर नहीं फेंकते हैं, उसके लिए इंतजार करते हैं, फिर आप भी देते हैं, उसे बाहर का आपका मेहनत है वो बच जाता है। ये हर शहर में चालू हो गया, यहाँ यूपी में भी चालू हो गया, आप लोग भी इसको शुरू कराओ। ठेकेदार का मतलब जो भी है वो उनका पहले बुला के ओरियंट कराओ कैसे करना है उसको, एक तो उसके बाद एक एजेंसी को बुलाया, वाहन कंपनी से कर्मचारी बुलाया जाता है और गाड़ियों में।